हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कभी घर के खाली बरामदे में, कभी दीवारों पे लगी तस्वीरों में, सदियां बीत गई तेरे इंतजार में, तू खो गई है न जाने किस अंधकार में। तेरी याद मुझे रुलाती है, पर एक लौ है मेरे अंदर जो मुझे उठाती है। मैं चलती हूँ, भागती हूँ, आज भी तुझे ढूंढती हूँ। एक बच्चा जब गायब होता है तो उसका परिवार उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, और दूसरी तरफ वो बच्चा न जाने कितने अत्याचारों से गुजरता है। NCRB की 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 119,617 बच्चे लापता हुए थे, मतलब 327 बच्चे हर दिन। 10 साल के अंतराल में इनमें से काफी बच्चे खोज लिए गए, पर तकरीबन 48,000 बच्चे अभी भी गायब हैं। हमने आज तक गुमशुदा बच्चों की कई कहानियां देखी, लेकिन आज का केस ऐसा है जिसमें एक बच्ची गुमशुदा हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई उस बच्ची को ढूंढना भी चाहता है या नहीं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। पर मम्मी, मुझे नहीं जाना है, और कल तो खुशी का बर्थडे भी है ना, उसने मुझे बुलाया है। दिव्या, सिर्फ एक ही हफ्ते की बात है, तुम खुशी को सॉरी बोल दे। लेकिन मम्मा, दिव्या, ये ले बेटा, तेरे लिए नई फ्रॉक। नई फ्रॉक? लेकिन पापा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, और अभी तो पुरानी वाली है ना मेरे पास। अरे पुरानी वाली तो छोड़, उसको पहन के तो बिल्कुल राजकुमारी लगेगी, कोई बोल ही नहीं पाएगा तुझे किसी चीज की कमी है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। हो गया तुम दोनों का, अब जाओ, बैग ही पैक हो गया। मंगलवार को मैं दिव्या को ले आऊंगी। दिव्या, मेरा टाइम पे खाना खाना और टीवी कम देखना। ठीक है, ठीक है, बाय। अम्मी, मैं एक दिन और रुक जाऊं, प्लीज। बेटा, तुम्हारी मम्मी हम दोनों की पिटाई करेंगी। बोला था उन्होंने कि मंगलवार को दिव्या को वापस लाना है। मंगलवार मतलब मंगलवार। अच्छा बेटा, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाती। कोई नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। चलो भैया, स्टार्को जंक्शन घर के ठीक बाहर छोड़िएगा। बाय। वो मेरी दिव्या को अकेला छोड़ ही नहीं सकती, उसने ही मेरी दिव्या को कहीं छिपा के रखा है। शांत हो जाइए, पहले मुझे सब कुछ ठीक से बताइए क्या हुआ। साहब, मैं बस बोलता हूँ आपको, हमारी बेटी है दिव्या, वो फरजाना के घर पे गई थी और आज वापस लौटने वाली थी, पर अभी तक पहुंची नहीं है। साहब, क्या उम्र होगी उसकी? मेरी बेटी सिर्फ 13 साल की। ये फरजाना क्या लगती है आपके? आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उस फरजाना को उठाइए और जेल में डाल दीजिए, तब बताएगी कि उसने मेरी बेटी दिव्या को कहाँ छिपा के रखा है। देखिए मैडम, हम ऐसे ही किसी को उठाकर जेल में नहीं डाल सकते, हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। आपकी बेटी दिव्या फरजाना के घर क्यों गई थी? सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दिव्या को छोड़ने नहीं गई थी। ये प्रणय और सुनीता झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ही मेरी दिव्या को गायब किया। लेकिन क्यों? ये सवाल मुझे और मेरी टीम को हर वक्त परेशान कर रहा था। इस केस को सुलझाना उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। इस केस ने हमारे सोचने समझने के तरीके को ही बदल दिया। इस केस की शुरुआत से ही हमारे जहन में एक सवाल था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कौन सच की चादर ओढ़ के हमसे झूठ बोल रहा था। यह हमारे सबसे मुश्किल केसेस में से एक था। सच को साबित करना तो दूर की बात थी, सच को समझने के लिए भी
हमारे पास एक भी सबूत नहीं था। नहीं देखना है मुझे, लेकर जाइए इसे। टाइम और माँ बाप का नाम 12:28, माँ का नाम फरजाना और बाप का पता नहीं है, क्लोज अडॉप्शन होगा। अरे पर माँ ने कुछ तो नाम दिया होगा। अरे शक्ल तक तो देखी नहीं, तू ऐसा कर दिव्या लिख दे और ये पायल उसके पास रख दे, उसकी माँ का है। ये पायल तो बहुत बड़ा है। हाँ तो बड़ी होगी तो पहनेगी ना, तुझे क्या करने का है, तू उसके पेपर्स के साथ रख दे बस। देखो बेटा अच्छा बर्ताव करना, अगर उन लोगों को तुम पसंद आ गई तो तुम्हें एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। पसंद आऊंगी तब ना। अरे क्यों नहीं पसंद आओगी, इतनी अच्छी तो हो तुम। अगर मैं अच्छी होती तो मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ क्यों भेजते। देखो दिव्या ऐसी बात नहीं है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी ना। हाँ मजबूरी होगी। अच्छे से रहना और बीच बीच में मिलने भी आना। बाय। भैया कुछ खाने को दो ना। नहीं पैसे नहीं चाहिए, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना। आगे जाओ। दीदी कुछ दो ना खाने के लिए। पैसा नहीं लेगी, खाना खाएगी तू, मैं खिलाता हूँ ना तुझे खाना, चल। ऑर्फनेज में सबसे शांत लड़की है दिव्या। एक एनजीओ के साथ मिलकर हम ही ने रेस्क्यू करवाया था। कहां से? एक बेगिंग रैकेट था। फेक अडॉप्शन में ट्रैफिक हो गई थी। तो मैडम उसके साथ? फॉर्चुनेटली नहीं, उसको मारा पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था। लेकिन पूरे एक साल में उसके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ ये अभी तक दिव्या ने हमें नहीं बताया। लेकिन मैडम वो हमारे साथ घुल मिल तो जाएगी ना। प्यार हर जख्म भर देता है। अगर आप दिव्या का अडॉप्ट करते हो तो आपको कुछ काउंसलिंग सेशंस के लिए हमारे पास आना होगा। हमने रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो हमारे यहाँ से आपके घर रेगुलर विजिट्स होंगे। दिव्या मैंने तुम्हारा कम क्या हुआ? अच्छा बैग मुझे। बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कलर पेपर, ये स्केच पेन और ये पेंसिल बॉक्स तुम्हारे लिए, रख लो। अरे रख लो बेटा तुम्हारे। दिव्या पण प्रणय अडॉप्ट करण्याची काय गरज आहे? अरे शुभम है ना, इसको तो अपना ही बेटा समझ। पण भाऊ
शुभम तो है ही, एक बच्चा और रहेगा घर में तो सुनीता का भी मन लगा रहेगा। कुछ भी कर पर एक बात का ध्यान रख, मैं मेरे बेटे का हक किसी और को मारने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, अगर वो तेरा खून होता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी खानदानी प्रॉपर्टी में मैं किसी और को हिस्सा लेने नहीं दूंगा। ऐसे लोग क्रिमिनल बनते हैं, और ये तो पता नहीं किसका गंदा खून है। ओ भाऊ सब बोलू नको, हाँ मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए बताने आया था, परमिशन लेने नहीं आया था आपसे। चल सुनीता निकटो अभी। एक मिनट प्रणव, भाऊ क्रिमिनल गंदी परवरिश से बनता है, और मैं अपने बच्चे की परवरिश आपकी तरह बिल्कुल नहीं करूंगी। चलो प्रणव। मन तो बेटे का था, पर कोई नहीं बेटी सही। अच्छा हो हमने बेटी अडॉप्ट की, अब राजीव भाऊ को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनकी बात पे इतना गौर मत किया, उनकी बात का कोई सर पैर नहीं है। इसलिए बताओ दीदी तुम्हारे साथ कुछ फ्री हुई? अभी तो नहीं, वक्त तो लगेगा। अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा, अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलेगी तो जल्दी खुलेगी। अच्छा प्रणय, उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दे, जहाँ पे वो पाटिल भाई है ना उनकी बेटी जाती है खुशी, वहाँ पर। हाँ ठीक है करवा देंगे। काय सगड़े सांग मला, काय सगड़े? पिछले 8 महीने से कंपनी में एक भी डील नहीं हुई, फोकट की पगार ले रहा है तू। हाँ गाली मत दीजिए, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। हाँ कोशिश कर रहा है बरोबर, पर अपने लिए कोशिश कर रहा है तू। कंपनी के नाम पर जो डील आती है तू अपने नाम पे लेता है, तेरे नाम तो FIR करना चाहिए मुझे। हाँ वो मेरा अलग से काम है, मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं। मैंने तेरे को इधर बैठाया, नौकरी पे रखा, तेरे को ट्रेनिंग दी, अभी मेरे को गणित सिखा रहा है तू। बहुत बस अभी अपना सामान पैक करो निकल इधर से। दिव्या बेटा आ जाओ, खाना लग गया है। हाँ 10 मिनट के लास्ट समय कंप्लीट कर लेती हूँ। दिव्या ये लो, ये तुम्हारे लिए नया बैग है और उसमें बैग। थैंक यू। आपको पता है स्कूल में क्या हुआ? रश्मि ने ना मेरा बेटा, इसको अंदर ले जाके रखो, आराम से बैठ के बात करते हैं ना। अच्छा मैं क्या सोच रही थी कि दिव्या का एडमिशन किसी सस्ते स्कूल में करवा दे। उससे क्या होगा? एडमिशन की फीस भी कम होगी और खर्चा भी कम होगा। ये बात तो दिव्या को अडॉप्ट करने से पहले सोचनी चाहिए सुनीता। मुझे क्या पता था कि बाद में हालात इतने खराब हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं स्कूल चेंज करने का, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ये जी आप सुनीता मात्रे हैं? हाँ जी बोलिए। दिव्या है क्या? आप कौन? मैं दिव्या की अम्मी। मेरे को सिर्फ इतना याद है इस लड़की को जिधर छोड़ा था उधर कोई तो था जिसने दरवाजा खोला था। आदमी था या औरत? सर आदमी था या औरत ये तो पता नहीं, लेकिन मैडम ने जहाँ बोला मैंने छोड़ दिया था। अगर कैब वाले ने दिव्या को प्रणय और सुनीता के घर के बाहर ड्रॉप किया था तो फिर दिव्या घर क्यों नहीं पहुंची? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं? सर कोई तो झूठ बोल रहा है। ये दिव्या आउट ऑफ वेडलॉक बच्ची है, 13 साल पहले फरजाना ने उसे अडॉप्शन के लिए दिया था, फिर ये अब क्यों आई है? नाना मेरी बात को समझो तुम, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, अम्मी नहीं मानेगी। सफी तुम एक बार अपनी अम्मी से मिलाओ तो मुझे, मैं उन्हें मना लूंगी, मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वो भूल जाएंगी कि मैं किस जाति की हूँ। फरजाना अम्मी को समझाना इतना आसान नहीं है। देखो मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ हूँ, मैं अम्मी से बात क्या करूंगा, कैसे समझाऊंगा उन्हें।
ठीक है, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैं अभी चलती हूँ, अब्बू घर पे इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम इतनी मुश्किल से तो आई हो तुम फरजाना, 10 मिनट ही रुक जाओ। अब्बा मैं आपके लिए दवाइयाँ ले आई हूँ, चलिए। मुर्तजा फिर से आया था, वो बिना दहेज निकाह करने को तैयार है, उसकी बस एक ही शर्त है कि निकाह के बाद नकाब पहनना होगा। अब्बा वो होता कौन है शर्त रखने वाला, मुझे निकाह नहीं करना। अब दवाई पीजिए। बहुत डर लग रहा है, पुलिस आएगी तो बाल की खाल निकालेगी, कहीं घबराहट में मुंह से कुछ निकल गया तो क्या करूं, निकल जाऊं क्या? ठीक है। दिव्या कहां थी उस दिन, उसके साथ क्या हुआ था? ये केस पुलिस के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ, ना सिर्फ इसलिए कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, बल्कि इसलिए भी कि इस कथा के मुख्य पात्र ही ईमानदार नहीं थे। बुरा साया है तुझ पर, और वो इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बुरा साया? तो बाबा आप ही बताइए ना क्या करना होगा मुझे। अरकान करना होगा, पैतीस दिनों तक इसका सेवन कर, तेरी सारी बलाएं फना हो जाएंगी। हमारी कैब वाले से बात हुई, उसका कहना है कि उसने दिव्या को आपके घर के बाहर ही छोड़ा था। हो ही नहीं सकता, मैं तो सारा दिन घर पे थी, दिव्या का इंतजार कर रही थी। आप दोनों को किसी पर शक है? नहीं, हमें किसी पर शक नहीं है, और दिव्या को गायब करके किसी को क्या मिलेगा? सर मैं बोल रही हूँ, फरजाना ही है, उसने ही मेरी बेटी दिव्या को कहीं छिपा के रखा है। अगर फरजाना ने ऐसा किया भी होता तो वो खुद क्यों नहीं गायब हो गई? ताकि साहब उस पर किसी को शक ना हो, और देखिए ना हो भी वैसा ही रहा, आपको उस पर नहीं हम पे शक हो रहा है। साहब हम झूठ क्यों बोलेंगे? वो तो हम पता कर लेंगे कौन और क्यों झूठ बोल रहा है। देख प्रणय, अगर दिव्या से तू मेरी शादी कराता है तो मैं तुझे 8 लाख रुपए दूंगा, और तुझे वो वापस भी देने की जरूरत नहीं। भाऊ क्या बात कर रहे हो, मेरी दिव्या सिर्फ 13 साल की है। तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल शादी तो करवाओगे? 8 लाख छोटी रकम नहीं होती। पैसे वाला तो क्या, अपनी बेटी बेचूंगा तुझे, निकल यहाँ से। और आइंदा घर पे दिखाई मत पड़ना, आइंदा दिखाई पड़ा ना तो जान से मार दूंगा। इस कमीने ने सोच भी कैसे लेगी, अपनी बच्ची बेचूंगा इसे। प्रणय मुझे मेरी दिव्या चाहिए। हम ऐसा करते हैं, हम फरजाना के घर जाते हैं, उससे बैठकर बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है ना उसको सुलझाते हैं, लेकिन मुझे मेरी दिव्या चाहिए, दिव्या चाहिए मुझे मेरी। खाना लगा दिया है? हट, हाथ नहीं लगाना, नहीं खाना है तेरी नजायज कमाई, पता नहीं क्या करके पैसे लाती है। कुछ भी करती हूँ कम से कम अपना और तुम्हारा पेट तो पालती हूँ, और ये तुम्हारी दारू, ये तो वही पैसे से आती है। क्या बोला, ज़बान चलाती है, अरे जिसको देखो कुछ ना कुछ बक ही रहा है। भाग यहाँ से। सुनीता, पड़ोसी बोले फरजाना कल रात में निकल के बैग लेके। अब क्या करेंगे? पर कैसे, उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई थी? सॉरी सर, वो हमसे निलेश, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। फरजाना हमारी सस्पेक्ट थी, और वो हमारे नाक के नीचे से गायब हो गई, ये हमारी लापरवाही का नतीजा है। सर मैंने फरजाना के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, वो जल्दी हमारी गिरफ्त में। और एक बात है सर, ये प्रणय का बड़ा भाई राजीव, वो इस एडॉप्शन से खुश नहीं था। तो क्या राजीव दिव्या को गायब करवा सकता है? हो सकता है सर, या ये भी हो सकता है कि दिव्या के साथ अब तक बहुत कुछ कर दिया गया।
जी मुझे अडॉप्शन से प्रॉब्लम था, लेकिन जब लड़की अडॉप्ट हुई तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम। सुनीता और प्रणय का जो कुछ भी है वो रखे वो, अब उनके पास पहले कुछ नहीं है तो वो जाने। मतलब? प्रणय का बिजनेस काफी डाउन हुआ है और मुझे पूरा यकीन है सर, अब प्रणय भी पछता रहा होगा उस दिव्या को अडॉप्ट करके। और सर रही मेरी बात, मुझे उस दिव्या से क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे बेटे को हमारी जायदाद में से उसका हक मिल जाएगा, और मुझे क्या चाहिए। 19 नवंबर को तुम कहाँ थे? मैं मेरे घर पे ही था, मेरा बेटा भी था। अब चाहे तो हमारे पड़ोसियों से पूछ सकते हैं, किसी ने तो देखा ही होगा। क्या तुम्हें लगता है कि प्रणय कुछ कर सकता है? सर प्रणय मेरा छोटा भाई है, मुझे नहीं लगता कि वो दिव्या के साथ ऐसा कुछ भी करेगा। लेकिन हाँ, वो जो उसकी माँ है ना, वो जरूर कुछ कर सकती है। तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि दिव्या की माँ दूसरे धर्म की थी? नहीं सर, मुझे क्या लेना देना, अभी तो सुनीता और प्रणय ही जाने। कैलाश भाऊ, पैसों की जरूरत थी, थोड़ा कैश मिल सकता है क्या? कहीं तुमने ही दिव्या को? सुनीता, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हो कि पैसों के खातिर अपनी बच्ची को बेच दूं। मेरी मजबूरी मेरी बच्ची से बढ़के नहीं है, और जितना प्यार तुम करती थी उतना मैं भी करता था दिव्या से। करता था मतलब? मेरी दिव्या भी जिंदा है। सर, सर प्रणय और सुनीता को दिव्या के लिए रिश्ता है। कैलाश वागले नाम का एक आदमी है, यहाँ गोवा में 3 रिजॉर्ट है उसके, और 8 लाख रुपए में बात भी तय हुई। पहले तो प्रणय ने उसे धक्का मार कर निकाल दिया, लेकिन अपने खबरी जग्गू ने पता किया ये प्रणय दोबारा कैलाश से मिला था, शायद डील कर ली। तो क्या ये चाइल्ड मैरिज का केस है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रणय ने मौके का फायदा उठाया ताकि सबको ये लगे कि ये सब कुछ फरजाना ने किया? और ये भी हो सकता है कि प्रणय और फरजाना दोनों मिले हों। ये फरजाना इंदौर से है ना? जी सर, उसका एड्रेस भी हमारे पास, मेरी लोकल पुलिस से बात भी हुई है। नहीं नीलेश, तुम खुद इंदौर जाओ और इस फरजाना की कुंडली निकालो। 1 महीना बीत गया है और हमारे पास दिव्या की कोई खबर नहीं। कब तक यहां मैं ऐसे रहूंगी? 5 महीने हो चुके और तुम अब तक अपने घर वालों को मना नहीं पाए। फरजाना, मैं कोशिश कर रहा हूं ना। झूठ बोल रहे हो तुम सभी। सच सच बताओ, तुम मुझसे निकाह करोगे भी या नहीं? करूंगा फरजाना, पर सही वक्त आने पर। और वो सही वक्त कब आएगा? मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे घर वालों को मेरे बारे में भनक भी है, और अब तो मैं अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती।
कब तक यहाँ रहना होगा? फरजाना, जब तक पुलिस मामला रफा दफा नहीं कर देती है तब तक। काश मैं दिव्या के साथ थोड़ा और वक्त गुजार पाती। सर, फरजाना ने यहाँ गोवा के मृणाल नर्सिंग होम में दिव्या को जन्म दिया और उसी दिन अडॉप्शन के लिए भी दे दिया। जब फरजाना को बच्ची चाहिए ही नहीं थी तो फिर वो वापस आई क्यों? सर, ये तो फरजाना से ही पता चला। अगर वो हमें मिली तो एक बार वापस सबसे बात करते हैं, शायद हमसे कुछ छूट रहा हो। कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे कि कोई एविडेंस किसी के खिलाफ नहीं जो हमें उस बच्ची तक पहुंचा सके? सर, अब तक तो पता नहीं दिव्या को कहां से कहां ले जाया गया होगा। पता नहीं अब तक ये बच्ची जिंदा होगी भी या नहीं। छह साल बीत गए लेकिन दिव्या का कहीं पता नहीं चला। एक साल बाद पुलिस भी दूसरे केसेस में उलझ गई और दिव्या मिसिंग केस फाइलों के नीचे दब गया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हे भगवान, ये नाश्ता करो। तुम्हारा रोज का नाटक है, ट्यूशन के लिए भी लेट हो जाते हो। अरे कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे इसी लाड प्यार ने ना इसको बिगाड़ के रख दिया। दूध भी पियो। मेरा राजकुमार है ये। तू खा बेटा, आराम से खा। डैडी तुझे ड्रॉप करेंगे यार। दूध भी पियो। आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब बेटियां भी होंगी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार। इंडिया के हिस्ट्री में एक लैंडमार्क जजमेंट। अब बेटियां भी होंगी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार। मैं मेरे बेटे का हक किसी और को मारने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, अगर वो तेरा खून होता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो हमने बेटी अडॉप्ट की, अब राजीव भाव को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कर रहे हो, बीच पे खड़े हो, साइड में लो ना। भाऊ गाड़ी बंद पड़ गई है। भाऊ अरे गाड़ी खराब हो गई है तो साइड में लो ना, बीच पे कहां खड़े हो। मेरी बात सुनो ना भाऊ, भाऊ बात सुनो ना। सुरेश कामले नाम था सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बड़ा आदमी और पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग थे। तभी ऊपर से प्रेशर आ रहा है, गाड़ी में नेम प्लेट भी नहीं है। कमल, ये स्टिकर देख रहे हो? कॉमन नहीं है। मैंने ऐसे स्टिकर और बाइक की फोटो सर्कुलेट करवा दी। पता करो कि कहाँ प्रिंट हुआ था और किसने करवाया। विक्टिम के बारे में और कोई डिटेल? सर, सुरेश कामले का ज्यादातर बिजनेस कैश में होता था। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। इतना बड़ा आदमी खुद कैश जमा करवाने जा रहा था? पैसों को लेकर वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। फैमिली में और कौन कौन है? वाइफ पुष्पा कामले और बेटा धीरज। वाइफ तो यहीं गोवा में और बेटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। बड़ा आदमी था तो दुश्मनी कई लोगों से रही होगी। कमल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रॉबरी हमें गुमराह करने के लिए हो, जबकि असली मोटिव सुरेश को रास्ते से हटाना ही हो? सर, वो एंगल भी हम खंगाल रहे हैं, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी जगत सिंह कैसी है? जगत कौन, मुंबई वाला? तो सही मिली। जग्गू को फोन कर। हाँ जग्गू, स्कूटर तो मिल गई है, वो दोनों कहां पर हैं?
आप रेस्टोरेंट में जाओ, यहाँ दोनों चिल मार रहे हैं। अपना मुंह खोल और बता किसके कहने पे मारा सुरेश कामले को? बोल। नहीं आता मैं किसी सुरेश कामले को। अच्छा अब तुम दोनों को कोई नहीं जानेगा। कमल इन दोनों की ऐसी हालत करो कि इन दोनों को कोई पहचान ना सके। मुझे बंदे नहीं देती सुपारी। कौन कहाँ मिलेगा? वहीं पे जहाँ से हमें उठाया था सर। क्यों सुपारी दी थी सुरेश कामले की? वो तो तुम्हारा शागिर्द था। कर्म अच्छे कर, ऊपर वाले का यही फरमान है तेरे लिए। अगर अगले 2 सेकंड में अपना मुंह नहीं खोला ना तो उसी ऊपर वाले के पास भेज दूंगा। तेरा ये गुस्सा ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और यही एक दिन तुझे जानने में मिलेगा। उच्च रक्तचाप की समस्या है तुझे। मैं इंसान को देखकर ही उसकी बीमारी का पता लगा लेता हूं। तुम्हारे जबड़े में दर्द है। मैं भी इंसान को देख के उसकी समस्या बता देता हूं। बता इतना कैश कहां से आया तेरे पास? बहुत सारे शागिर्द हैं मेरे, खुशी से भेंट चलाते रहते। सर ये चमत्कारी बाबा तो बहुत पहुंची हुई चीज है। रहता तो एक छोटी सी झोपड़ी में, पर यहाँ गोवा से लेकर इंदौर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इन्वेस्टमेंट है इसका, और सब कैश में। एक काम करो, एक लिस्ट निकालो कि इस बाबा ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। सर मैंने ऑलरेडी निकाला, ये देखिए सर, ज्यादातर हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में इन्वेस्टमेंट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बाबा और सुरेश कामले के बीच में पार्टनरशिप हो? क्योंकि इसके अलावा तो और कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। सर ऐसा तो अब तक कुछ सामने नहीं आया, पर बाबा को जिस अड्डे से अरेस्ट किया गया था वहाँ पे जो पैसे मिले थे वो सीरियल नंबर से, मतलब साफ ये सारे पैसे किसी एक ही आदमी ने दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा को किसी और ने सुपारी दी और बाबा ने आगे सुपारी दे दी? कर 24 मिनट। माँ का नाम पारुल शर्मा, बाप का पता नहीं। सर फरजाना ने यहाँ गोवा के मृणाल नर्सिंग होम में दिव्या को जन्म दिया। इसे जानते हो? इसे जानते हो? नहीं। इसे मृणाल नर्सिंग होम से अडॉप्ट किया गया था और इसने इस बच्ची को जन्म दिया था। इसका नाम दिव्या है, 6 साल से गायब है। क्या जानते हैं इनके बारे में? शांति, शांति, शांति। खड़ा कर इसको, अब भी ठोकूंगा, अब भी ठोक देता हूं।
मुंह खोलेगा कि ठोक दूं तुझे। दो बटे तेरा गणेश का पंजी। खत्म हुआ चूहे बिल्ली का खेल। बहुत साल घुमाया तुमने फरजाना। मेरे पास एक प्लान है, सुनो, बैठो, ध्यान से सुनना। हमें काम करते हैं कि हम ये बच्चा एक अस्पताल में दे देते हैं। क्या बोल रहे हो तुम सफी? मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। फरजाना मेरी बात ध्यान से तो सुनो। देखो, एक चमत्कारी बाबा की वजह से मुझे एक अस्पताल के बारे में पता पड़ा है। हम ये बच्चा वहां दे सकते हैं, वही बच्चा रख लेंगे और डिलीवरी होने तक तुम भी वहां रह सकती हो। हम जब निकाह कर लेंगे फिर ये बच्चा वापस ले लेंगे। और ना ही मेरा सफी से कभी निकाह हुआ और ना ही मैं अपनी बच्ची को ले पाई। फिर मुझे पता चला कि सफी को HIV है। मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मैं भी पॉजिटिव आई। मौत को इतने करीब से देखने के बाद मेरे अंदर की ममता जाग गई। सोचा बच्ची कुछ ही जिंदगी अपनी बच्ची के साथ गुजार पाऊं। पर दिव्या आप कहां हैं? क्या क्या वो जिंदा है? मैं तो सोच रही थी कि वो उन दोनों के साथ खुश है। मुझे लगा था कि उन दोनों ने दिव्या का किडनैप करवाया ताकि वो मुझे फंसा सके। इसलिए मैं उनके रास्ते से खुद हट गई ताकि वो तीनों खुश रह सके। पूरे नर्सिंग होम को सर्च करो। अगर और कोर्स की जरूरत है तो और कोर्स मंगा लो। मुझे इस नर्सिंग होम का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। यहाँ कौन काम करता था, करता है, यहाँ पर किस किस की ईंट लगी है, सब। जी सर, लेकिन सर हम किस बेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? इस नर्सिंग होम में कुछ तो है नीलेश, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सर ये देखिए सारी फाइल में क्या क्या है। सब क्या है? पहले तू बता, बिल्ली की खाल में गीदड़, तेरा असली चेहरा क्या है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुमने दिव्या को बचपन में अडॉप्शन के लिए नहीं ट्रैफिक किया था? मृणाल नर्सिंग होम का वार्ड बॉय हमारी हिरासत में है। उसने अपना मुंह खोल दिया है। हमारे पास उन सारी लड़कियों की लिस्ट है जिसे तूने ट्रैफिक किया था। वो कहां है दिव्या? बोल। पर जाना मुझे कैसे पता होगा? 6 साल पहले वो सुनीता के घर के बाहर से गायब हुई थी। ये दिव्या की अभी की रिपोर्ट है जो हमें मृणाल नर्सिंग होम से मिली है। ये अब बताएगा? कौन हो आप? क्या हो रहा है ये? कौन हो आप? ये क्या कर रहे हो? और आप गाड़ी कर रहे हो? मैडम एकदम कौला माल है, लॉटरी लग जाएगी आप लोगों की। महीने का 10,000। आप एक बार लड़की को देख तो लीजिए पहले। रोज देखते हैं, 10,000 रुपए के ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा हुआ तो उसके पैसे मैं अलग लूंगा। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती। इसका नाम गोरी है, जाओ। दिव्या मुझे कभी नहीं चाहिए थी, वो अनचाही बच्ची थी। मैं बस फरजाना के साथ रहना चाहता था, लेकिन फरजाना को दिव्या चाहिए थी। इसलिए मैंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे मेरे पास पैसे भी आ गए और दिव्या से छुटकारा भी मिल गया। तो जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को एक नहीं दो दो बार दलदल में धकेला। उसे एक अच्छा घर मिल गया था ना,
लेकिन तूने उससे वो भी छीन लिया। तुझ जैसे लोगों को तो बाप कहलाने का हक ही नहीं है। सर, दिव्या मेरा खून जरूर थी, लेकिन मैं उसका बाप नहीं था। फरजाना, बोल कहाँ है मेरी दिव्या, वरना चीर दूंगी तुझे। जरा लग जाएगा, चाकू नीचे करो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, बोल दिव्या कहाँ है, बोल। फरजाना, सिर्फ यही है जो हमें दिव्या तक पहुंचा सकता है। अगर इसे कुछ हो गया तो शायद हम दिव्या तक कभी ना पहुंच सके। चाकू, चाकू दे दो, छोड़ो इसको। सर, मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर बच्ची को रखते हैं। लेके चलता हूँ। सर, यहीं पर रखिए। कहाँ पे? दिव्या, दिव्या। दिव्या, मेरी बच्ची। बोल मेरी दिव्या कहाँ? बोल, मैं तेरे को जान से मार दूँगी फिर मैं। बोल मेरी दिव्या कहाँ? यही थी दिव्या, यही रखा था मैंने। सर, मैं सच कह रहा हूँ। तुम लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। पैदा होते ही मुझे फेंक दिया, और जब मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई तो तुम अंधेरा बनकर आ गए। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। बेटा, मैं इसमें शामिल नहीं थी। सर, मृणाल नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। पिछले 25 साल से गोरख धंधा वहाँ चल रहा है। कुछ औरतें अपनी मर्जी से आती थी, फरजाना जैसे, उन्हें स्मूथ कॉलम में रखा जाता है, और कुछ खरीदी जाती थी दिव्या के जैसे, उन्हें डिफिकल्ट कॉलम में रखा जाता है, फिर उन्हें प्रेग्नेंट करके उनके बच्चों को बेच दिया जाता है। बाबा ने अपना मुँह खोला कि सुरेश कामले की सुपारी किसने दी थी? आपने जब से उसका सत्य से परिचय करवाया और ऊपर जाने का मार्ग खोला, तब से वो तोते की तरह बोल रहा है। उसने बताया कि सुरेश की सुपारी उसके बेटे धीरज ने दी थी अमेरिका से। सर, मैंने अमेरिकन एम्बेसी में बात की और प्रत्यार्पण के लिए भी रिक्वेस्ट डाली। नीलेश, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। एक बेटी बिना माँ बाप के इस दुनिया में कितना कुछ झेलती है, और एक बेटा जिसे उसके बाप ने दुनिया के सारे सुख चैन दिए, वो अपने बाप की हत्या करवा देता है। सर, आप दिव्या को कभी भूले ही नहीं थे ना? कभी नहीं। कुछ केसेस एक दरार छोड़ जाते हैं, ये भी उनमें से ही एक था। वैसे दिव्या की काउंसलिंग शुरू हो गई है, होपफुली उसे वैसी जिंदगी मिलेगी जैसी वो डिजर्व करती है। शफी खुदगर्जी में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी ही बेटी का सौदा दो बार कर दिया, क्योंकि उसके लिए वो अनचाही थी। लेकिन इस सब में दिव्या की क्या गलती थी? इस केस को सुलझाने के बाद पुलिस ने 128 औरतों और बच्चों को उस ट्रैफिकिंग रैकेट से बचाया जो अलग अलग शहरों में चलाया जा रहा था। इस केस में 6 साल होने के बावजूद पुलिस दिव्या को नहीं भूली थी, और अंत में पुलिस ने दिव्या को इस दलदल से निकाल दिया जहां उसके अपनों ने उसे धकेला था। आज दिव्या सुनीता, प्रणय और अपने छोटे भाई के साथ रह रही है। हम आशा करते हैं कि दिव्या जल्द इस सदमे से उभरे और एक खुशहाल जिंदगी जिए। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं कि हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.